धातुओं से तोला, सहयोग राशि दी हर गांव ने, हर आदमियों ने कुछ ना कुछ सहयोग राशि। हर गांव में बहुत जोरदार स्वागत दिया, लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं सभी गांव की जनता का, सर्व समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सब जानते हैं जो आप लोगों ने किया, जो इन लोगों ने किया मोदी जी ने, वो कोई नहीं कर सकता। तो मोदी जी काम से खुश हो, योगी जी काम से खुश हो, बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री। मैं ऐसपात विधानसभा के गांव सुरैरा में है, जहां पर डॉक्टर धर्मपाल से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका जोरदार स्वागत हुआ है, जहां पर ग्रामीणों में जोश देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब से बात करेंगे, किस किस गाँव में उनका स्वागत हुआ और कैसा लगा हुआ। डॉक्टर साहब से बात करते हैं, स्वागत हुआ कैसा लगा। आज मैंने शुरुआत की रहनकला से और यहाँ तक पहुँचा हूँ। हर गाँव में बहुत जोरदार स्वागत दिया, लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं सभी गांव की जनता का, सर्व समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर साहब, हमें अभी मालूम पड़ा कि निषादों ने कुछ आपको तोला है, वो बहुत जबरदस्त। हाँ, लड्डुओं से तोला, सहयोग राशि दी हर गांव ने, हर आदमियों ने कुछ ना कुछ सहयोग राशि। अरे डॉक्टर साहब, कल योगी जी आए थे, तब से जोश भाजपा के कार्यकर्ता देखने को मिल रहा है, उससे क्या लगता है। वहाँ में तो जबरदस्त जोश आया कल से, उन्हें चुनावी एकदम बहुत तेजी से लोगों का बहुत प्यार मिला। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, अब जीत पक्की है। अब ये तो ऐसे ही लग रहा है, जनता का जो प्यार उमड़ रहा है। धन्यवाद। ये डॉक्टर साहब ने सुना, डॉक्टर साहब ने बताया कि जो योगी जी आए तब से जोश, जो कार्यक्रम था तो जोश है, वो जबरदस्त जोश मिल रहा है और जीत निश्चित है। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सोलंकी, क्या लग रहा है आज, कहाँ पर स्वागत हो रहा है। जी, कहाँ पर स्वागत हुआ था। पूरे क्षेत्र में अटूट प्यार, अटूट सहयोग मिल रहा है और जनता का प्यार है। निश्चित रूप से हम 300 पार के नारे के साथ योगी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि आज भी वो ये जनता का नारा आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। कोई क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर में। क्यों चढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक डॉक्टर दिनेश चौहान जी हैं, इनसे सुना और सुरैरा गांव के अन्य लोगों से सुना, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो जोश योगी जी के आने से जो जोश बढ़ा है, उससे इनके कार्यकर्ता को लगता है कि इनकी जीत निश्चित है। अभी हमारे साथ और भी समर्थक हैं भाजपा के, जिनसे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं खड़ी हुई, उनसे पूछते हैं कि भाजपा कितने कैसे जीत रही है और कौन प्रत्याशी। आपका क्या नाम है। सुधा कुमारी। कौन सा गाँव है। सुरैरा। सुरैरा। किस समाज से हो आप। धर्मपाल। बाल्मीक समाज से। बाल्मीक समाज का समर्थन मिल रहा है डॉक्टर धर्मपाल सिंह को। मिलेगा। कौन सा, क्या जीत रहा बेटा, कौन सा जीत, साइकिल जीत रही है, फूल जीत रहा है, हाथी जीत रहा है। फूल जीतेगा। फूल जीत रहा है। पूरे यहाँ समाज से वोट मिल रहा है। बिमले से। बिमले से। फूल को वोट क्यों दे रहे। फूल को सब कुछ सुविधा कर रही है ना, फूल वाला तो उनको वोट देगा। हाथी वाला सुविधा नहीं देगा। नहीं नहीं नहीं, साइकिल वाला देगा, फूल वाला ही देगा केवल। अच्छा, क्या क्या एक सुविधा मिली आपको फूल के वाले से भाजपा से। मिला है जो क्या कुछ गैस है? मिली है, गैस मिली है। अच्छा, राशन मिल रहा है हर महीने। तो शौचालय फ्री मिले, शौचालय मिला है। तो ये सुरैरा की बाल्मीक बस्ती में थे हम, यहाँ पर महिलाओं ने बताया कि हम फूल को ही वोट देंगे, क्योंकि जो उनकी जन कल्याणकारी योजना, उनका लाभ मिला, उन्हें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस मिली, उन्हें राशन मिला और उन्हें किसान से संबंधित तो उन्हें पैसा भी मिला। और भी हमारे पास खड़ी, तुम्हारे क्या नाम है। राधिका। राधिका, ये अभी किसकी रैली निकल रही थी। ये मोदी जी की। हाथी की निकल रही है क्या। नहीं। तो किसकी निकल रही है। ये मोदी जी की है। मोदी जी की है। वो कहावत नहीं सुनी, घर घर भगवा छाएगा राम राज फिर आएगा। राम राज फिर आए, घर घर भगवा छाएगा राम राज फिर आएगा। तो किसको वोट दे रहे हो। मोदी जी को। मोदी जी को दे रहे हो। अभी कल आएंगे बसपा वाले, आएंगे सपा वाले, आएंगे वो किसी को नहीं, किसी को नहीं, किसी को। उन्हें क्यों नहीं दोगे। बिल्कुल नहीं है, सपोर्ट ही नहीं, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं आज तक। वो तो जो कह रहे हैं भाजपा ने कुछ नहीं किया, गरीब परेशान है, काम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं जो आप लोगों ने किया, जो इन लोगों ने किया मोदी जी ने, वो कोई नहीं कर सकता। तो मोदी जी काम से खुश हो, योगी जी काम से खुश हो, बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम क्या है। रंजीत पकौड़िया। रंजीत पकौड़िया, आप इसी बस्ती से हो। हाँ जी। बाल्मीक बस्ती से हो। हाँ जी सर। बाल्मीक बस्ती, कितना सपोर्ट मिला डॉक्टर धर्मपाल सिंह को। पूरी बाल्मीक बस्ती। मुझे हमें बताया कि विपक्ष कह रहा है कि हमें बाल्मीक सुरैरा का वोट मिल रहा है, अन्य का वोट मिल रहा है, बसपा वाले सपा वाले। पूरी बाल्मीक बस्ती बीजेपी के साथ है और बीजेपी को ही वोट मिलेगा, पक्का ठान लिया है। चाहे भले रोजगार मिले, लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, पूरा रोजगार मिल रहा है। ये तो अनपढ़ आदमी है जो समझ नहीं पा रहे हैं, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है
आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो अब हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, कुछ अच्छा क्या हो रहा है जो सपा बसपा में नहीं हुआ? डॉक्यूमेंट्री की बात ले लो तो डॉक्यूमेंट्री में ये है कि मोदी जी ने पहले 10 फार्म भरे जाते थे, आज एक फॉर्म में ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। और किसानों के लिए भी काफ़ी कुछ किया है, गरीब लोगों के लिए भी कुछ किया है। और कुछ ऐसे गरीब लोग थे जो कि उनको उनके पास ज़मीन थी लेकिन बनाने के लिए पैसे नहीं थे, उनके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। अच्छा, ये मोदी जी की बहुत अच्छी योजना, लेकिन एक चीज़ बताओ कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, अखिलेश यादव, मायावती या योगी जी? योगी जी बनेंगे। योगी जी बनेंगे? पक्का? एकदम पक्का, एकदम योगी जी बनेंगे। अच्छा, हाँ जी। वोट आप कोई या किसी को नहीं दोगे? केवल नहीं, बिल्कुल हमारी तरफ से और हमारे गांव के जो भी हम वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हमारा पूरा सपोर्ट योगी जी के लिए। आपके आपके गांव में किस किस समाज का वोट मिल रहा है? हमारे समाज में वाल्मीकि बस्ती में से पूरा योगी जी के लिए है, और बघेल समाज के लोग हैं वो भी योगी जी के लिए हैं, और निषाद लोगों के लिए, निषाद लोग जो भी हैं वो भी योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये देखा था सुरेरा की, भाजपा के समर्थकों की जो राय थी, उनकी जो विचार थे कि हमें भाजपा ने कई योजनाओं का लाभ हमने लिया है, किसान खुश, महिलाएं घर पर खुश क्योंकि उनको उज्ज्वला योजना के अंदर गैस मिली, राशन मिल रहा है। तो आपने ये देखा गांव सुरेरा के भाजपा के समर्थकों की राय। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रमेश सोलंकी।